इट्स बैलेज एजुकेटर निकिता शुक्ला वेलकम टू तो अन अकेडमी क्लास ट्वेल्व तो चैनल एंड uh, आज हम लोग करने वाले हैं टुडेज टॉपिक इज वेरी सिंपल विच इज थ्री टॉपिक एक्चुअली नॉट सो सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ हर्ट ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट वन इज योअर पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन पॉलिंड पिस्टल इंट्रैक्शन एंड सेकेंड वन वी हैव इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इब्रिडाइजेशन एंड थर्ड वी हैव इज डबल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जिसमें से ये टॉपिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ये अच्छे से नहीं समझा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस नहीं समझाएंगे और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से सो दीज़ आर एंड दीज आर वेरी शॉर्ट टॉपिक बहुत छोटा छोटा एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है सो so ये तीनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं साथ में आपकी एन सी आर टी एन सी आर टी लाइन भी कवर होगी एल टीच एन सी आर टी लाइन बट डायरेक्टली एन सी आर टी क्या है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी गई है सो so अगर हम डायरेक्टली एन सी आर टी मूव कर जाएंगे तो उतना अच्छा समझ नहीं आएगा तो so एक काम करते हैं पहले हम आपको ब्लैक स्लाइट पर समझा देते हैं धमाकेदार तरीके से और फिर हम क्लास आपकी शुरुआत करते हैं सो so लेट्स फर्स्ट थिंग इज पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन पिस्टल इंट्रैक्शन ये क्या है पॉलिन पिस्टल इंट्रेक्शन आपका होता है ऑल द इवेंट्स वो सारे इवेंट जब आपका पॉलिन के नाके स्टिगमा पर गिरे और एंटर करने तक ये क्या हमने बोला ऑल द इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ द पॉलिन ग्रेन टिल इट द ओव्यूल इवेंट्स फ्रॉम इवेंट्स फ्रॉम पॉलिन लैंडिंग पॉलिन लैंडिंग टिल एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन साइड द ओव्यूल राइट ओव्यूल के अंदर जब तक कि आपके पॉलिन ट्यूब की एंट्री ना हो जाए लैंडिंग से वो सारी चीज़ें आपकी पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन में आती है देखिए नाम बहुत क्लियर है पॉलिन बेसिकली पॉलिग्रेन पिस्टल पिस्टल आपका पूरा फीमेल पार्ट हो गया तो फीमेल पार्ट और पॉलिनग्रेन का जो इंट्रैक्शन है वही आपका पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन कराता है ठीक है अब ये होता क्या है कि लेट से यहाँ पर अगर हमने बात कर ली ये यहाँ पर आपका स्टिग्मा आ गया ठीक है दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओव्यूल राइट नाउ विद इन दूल ओवरी आपको ओव्यूल मिलती है आपकी ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलेगा एंड विद इन दल होगा आई होप यू आर क्लियर विद्या क्या होता है जैसे ही आपकी पॉलिन ट्यूब आती है लच्चे यहां पर पॉलिंग्रीन आता है पोलिन ग्रीन ना एक साथ बहुत सारे आते हैं ऐसा नहीं कि कोई एक स्पीसीज का आता है बहुत सारे पॉलिंग्रीन यहां पर आते हैं अलग अलग स्पीसीज के आ जाते हैं ठीक है थीके? तो पॉलिन ग्रीन क्या होता है सबसे पहले तो पॉलिन ग्रीन का स्टिग्मा पे पड़ना डज नॉट गारंटी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि सही टाइप का है कोई भी पॉलिनग्रेन आ सकता है यहाँ पे किसी भी स्पीसीज का आ सकता है खुद के प्लांट का आ सकता है सो राइट टाइप का हो कोई जरूरी नहीं और नाइन्टी नाइन परसेंट टाइम वो गलत टाइप का होता है तो होता क्या है कि जो फर्स्ट थिंग विच हैपन्स यहाँ पर जब भी पॉलिनग्रीन ऐसे लैंड करता है तो ये पिस्टल से इससे आपका क्या होता है इंट्रैक्शन होता है इंट्रैक्शन किस फॉर्म में होता है केमिकल डायलॉग्स के फॉर्म में होता है पिस्टिल आपके कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और केमिकल डायलॉग्स के फॉर्म में होता है केमिकल डायलॉग्स के फॉर्म में आपका क्या होता है इंट्रैक्शन होता है बेसिकली जो बातचीत करते हैं लेट्स से आपके सामने कोई आया और आपको बोल रहा है सी दिस इज ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है. आप उससे बात कर रहे हो है, अगर कोई सेल्स पर्सन आ गया या फिर कोई भी आ गया तो आप उसकी बात सुनोगे आप अपनी बात पूछोगे फिर ठीक है आपको लग रहा है ठीक तो ठीक है नहीं लग रहा है तो गलत मतलब ठीक है अभी आप शॉप पर जा रहे हो आप कोई भी सामान है खरीद रहे हो आप उससे पूछोगे अच्छा भाई कितने ये कितने का है अच्छा ये कितने का है मटेरियल क्या है वोट एवर इज़ वो अपनी बात बताएगा अपनी बात बताओगे अगर आप दोनों का चीजें सेट हो रही हैं देन यू लि बाई अदरवाइज विल मूव ऑन तो वैसे यहां पर क्या होता है यहां पर आपके केमिकल डायलॉग्स होते हैं कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलॉग्स होते हैं इट्स नॉट कि हाँ एक बार हुआ कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलॉग्स आपके होते हैं और यहाँ से आपका पिस्टल पॉइंट ग्रेन को आपका पहचान सकता है कि हाँ ये राइट टाइप है कि नहीं केमिकल डायलॉग्स होने की वजह से राइट टाइप और रॉन्ग टाइप आपका चेक किया जाता है राइट टाइप है या फिर रॉन्ग टाइप है ये आपका चेक किया जाता है बेसिकली ये आपका उसके कॉम्पेटेबल है कि नहीं इफ़ राइट टाइप अगर राइट टाइप है तभी आगे आपका पॉलिन जर्मिनेट करता है राइट टाइप है तो पॉलिन ग्रेन हमारा क्या होता है जर्मिनेट कर जाता है यहीं पे और जर्मिनेट करके ट्यूब बना लेता है, जर्मिनेट एंड देन पोलिन ट्यूब फॉर्मेशन और अगर रॉन्ग टाइप है तो आपका क्या होता है फिर तो वो वहीं पे अपना डिग्रेड हो जाता है ठीक है सो so, जर्मिनेट कैसे होता है और क्या चीज़ें होती है ये हम आपको बता रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलीनेशन इज लाइक प्रपोजल है ना एवरी प्रपोजल डज नॉट मीन्स कि सामने वाला एक्सेप्ट ही कर लेगा तो अगर पॉलिनेशन हो के यहाँ पे पहुँच रहा है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ओव्यूल को हमारी फीमेल फे, एग को पसंद आ जाएगा बी लाइक ओके आओ पधारो हमारे देश ऐसा इट विल नॉट हैपन सो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स येर लेट मी ड्रॉ अ वेरी असम डाइग्राम ओवर येर देखिए हम सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल वाला पार्ट बना रहे हैं क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दिस इज लेट से दिस इज़ द स्टाइल वाला पार्ट सॉरी स्टिग्मा पार्ट एंड दिस इज द स्टाइल पार्ट ठीक है यहाँ पर पॉलिनग्रेन आ गया सपोज यहां पर आपका पॉलिन ग्रेन सारी वाइट मैंने कर रखे हैं वेरी गुड यहां पर आपका पॉलिन ग्रेन आया दिस इज दॉलिन ग्रेन पॉलिन ग्रेन के इंटाइन लेयर उसके अंदर उसकी प्लाज्म ग्रेन होगी बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी यहां पर हमारे पास आ गया इसका एग्जाइन लेयर लट से दिस इज एग्जाइन लेयर ठीक है होता क्या है जब आपका पॉलिन ग्रीन आता है स्टिग्मा पे पहुंचता है तो स्टिग्मा क्या करती है उसको पसंद आता है हाँ ठीक है तो स्टिग्मा क्या करती है बहुत सारा यहाँ से उठा के ये इसके अंदर पानी की एंट्री कराती है ठीक है बहुत सारा आपका वाटर ये रिब्जॉर्व करता है यहाँ से क्या क्या चीज़ें जाएंगी यहाँ से वाटर लेगा ये यह यहाँ पर आपका एच वाटर चला गया है ना शुगर भी एब्जॉर्व कर लेती है जैसे आपको अगर ठीक है आपके घर कोई आया अब आपके हिसाब से लग रहा है कि हाँ भाई ये सही इंसान आया आप उसको घर पे बुलाओगे पानी दोगे मिठाई दोगे है ना उसकी थोड़ी अच्छा आई है ये अंदर आई है गेट पे आया अरे नहीं आप बाहर क्यों खड़े हैं भाई अंदर आइए सेम थिंग हैपेंस हाँ है। एयर कि आपके जो स्टिग्मा होती है उसका स्वागत करती बोलते ठीक है पानी दे दो शुगर दे दो कैल्शियम एक्चुअल रिलीज़ होता है साथ में बोरॉन रिलीज़ होता है वेरी इंपॉर्टेंट बोरॉन रिलीज़ होता है इसकी वजह से होता क्या है इसकी वजह से मैंने ऐसी जगह पे लिख दिया कि पूरा ब्लॉक हो जाता है <laughs> तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या क्या देता है पानी हो गया शुगर हो गया कैल्शियम हो गया और आपका बोरॉन हो गया ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं पोलिन जर्मिनेशन के लिए किस चीज़ के लिए पोलिन जर्मिनेशन एंड पोलिन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये नहीं होंगे तो फिर काम नहीं होगा पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन ठीक है ना वॉट इज़ हैपनिंग अभी ये अंदर की जो इंटाइन है ठीक है ये जो इंटाइन है यहाँ पे इंटाइन आपकी एक्सटेंड हो जाती है दिस ग्रीन पोर्शन वन इज़ एंटाइन वन ये वाली तो यही आपकी एंटाइन ही ऐसे नीचे की तरफ से खिंचाती है यही अंदर की इंटाइन जो है बेटा ना यही पॉलिन ट्यूब बना लेती है ये देखो तो होता क्या है कि पॉलिन ट्यूब के अंदर का जितना पॉलिन ग्रेन के अंदर का जितना भी आपका कंटेंट होता है वो आपका बाहर आ जाता है कंटेंट क्या क्या होता है कंटेंट अगर हम बात कर लें टू सेल्ड पॉलिन ग्रेन की अगर हम टू सेल्ड ग्रेन की बात करें तो उसके पास क्या होगा उसके पास होता है एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल लेकिन जो भी टू सेल पॉइंटग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे आने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू थ्री सेल स्टेज कन्वर्ट हो जाता है यही पे आकर डिवाइड कर जाते हैं एक बनाती है वेजिटेटिव सेल दो मेल गैमेट सो दिस इज वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दिस इज टू मेल गैमेट अगर पहले से ही थ्री सेल स्टेज है तब तो कन्वर्जन का कोई पॉइंट ही नहीं है बहुत सारे ऐसे होते हैं मैंने आपको सिखाया था कि देयर आर फोर्टी ऑफ प्लांट्स जिनमें थ्री सेल स्टेज पर ही हमारा पॉलिन का आपका ट्रांसफर होता है तो कोई इशू ही नहीं है तो आपके पास क्या है हमारे पास दो मेल गैमेट हो गए वेजिटेटिव सेलोगे अब यहाँ हो रहा है इसके अंदर आपके बहुत सारे साइटोप्लाज्म वगैरह भी होते हैं ना तो जितना भी हमारे पॉलिन ग्रेन का कंटेंट होता है पूरा ये उठा के एक्सटेंड हो जाती है यही और इधर आ जाती है तो देखो यही एंटाइन ही एक्चुअली हमारे पॉलिन ट्यूब में कन्वर्ट हो रही है सो दैट इज़ वाई जो एंटाइन होगी किसकी बनी होगी आप खुद से बताओ एंटाइन किसकी बनी होगी एंटाइन बनी होगी सेलुलोज एंड पेक्टिन की क्यों क्योंकि हमारी या आप बताएंगे क्यों मैंने बोला कि सेल्स एंड की बनी होगी दिस इज द पॉलिन ट्यूब पॉलिन ट्यूब कैसे सेल्योस पैक्टिन की बनी क्योंकि एंटाइन भी हमारे हमारा सेल्लोपैक्टिन का बना होता है ठीक है और वही अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रही है नाउ वॉट विल हैपन योअर कि यहाँ पर हमारे पास आ जाती है एक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस पीछे पीछे में हमारे पास आ जाते हैं दो मेल गैमेट ठीक है तो ये हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें वॉट इज दिस राइट नाउ दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस या जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस वॉट इज दिस ठीक है मतलब वेजिटेटिव सेल जो थी उसका ये दोनों हमारे पास क्या है दीज टू आर दी मेल गैमिट ये दोनों हमारे पास क्या है मेल गैमिट टू मेल गैमिट राइट right. अब देखो इनका क्या होता है इनका एकदम टिप की तरफ ऐसे नीचे की तरफ ग्रोथ हो जाता है एपिकल ग्रोथ होता है इनका और इनका जो ग्रोथ होता है ना याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है मतलब कैसे पता हो इनको किधर जाना है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्योंकि जो आपकी पिस्टल होती है जो आपका ओव्यूल वाला पार्ट होता, होता है ओवरी वाला पार्ट होता है वहाँ से आपका कुछ कुछ केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है जिससे इन्हें पता चलता है अच्छा इस तरफ जाना है ठीक है कीमोट्रॉपिक नॉट कीमोटैक्टिक कीमोटैक्टिक होता है कि उठ के ही वहीं चले जाना ठीक है कि जैसे पॉलिन ट्यूब ये देखो इसकी तरफ जा रही बात अलग है अगर मान लो कीमो टैक्टिक हम तब बोलते जब पॉलिन ट्यूब जब पॉलिन ट्यूब यहां है यहां से सीधे उठ के ओविल के पास चली जाए कीमोटैक्टिक मूवमेंट आपके एंथ्रोजॉइड्स में होते हैं चीज़ को याद रखना ट्रॉपिक याद रखना बाकी क्या हमने बोला कीमोट्रॉपिक और टैक्टिक क्या है कीमो क्या बताने जा रहे थे कीमोट्रॉपिक इज कि उसकी तरफ मूव करना कीमो टैक्टिक की लोकोमोट लोकोमोशन शो कर देना कि हाँ वहाँ से उठ के चले जाना जैसे ब्रायोफाइट्स में एंथ्रोजॉयट वगैरह शो करते हैं वो क्या होते हैं जिधर केमिकल से ये मान लो जिस साइड केमिकल है ऐसे हैं वो सीधे उड़ के उधर ही पहुँच जाते हैं बट यहाँ पे उसकी तरफ ग्रो कर रहा है अपना ओरिजिनल लोकेशन नहीं छोड़ कर रहा है धीर धीरे 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 उसकी तरफ जा रहा है तो याद रखना इस टर्म में गलती मत करना ठीक है तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब एक इट्स काइंड ऑफ अगर आपको थोड़ा सा समझना है ना इट्स काइंड ऑफ भाई बारात जा रही है ठीक है हाँ भाई ये सब लाइन में जा रहे हैं विस्टिटि सेल इज लाइक शादियों में होता है, है ना वो आगे वाला दोस्त जो डांस कर रहा होता है रास्ता वास्ता साफ खाली करा रहा होता है वैसे वेस्टिटिव सेल होता है ये आपकी स्टाइल के अंदर ऐसे एंटर कर रहा होता है जो भी सेल वगैरह होती है उनको डिजोल्व कर रहा होता है रास्ता बना रहा होता है आगे आगे चल रहा होता है आगे आगे चल रहा होता चल है स्टाइल से फिर ओवरी में एंटर करता है ठीक है पीछे पीछे इनके मेल कैमट एकदम किंग के तरीके से रथ पर बैठे हुए आज लाइक ठीक है हम तो बॉस आई लाइक जस्ट ओ ओ ओ कि ठीक है हम तो सिर्फ ऐसे ही चलेंगे तो वो आपका क्या करते हैं ये आपका होता है एंड दिस इज दिस इज़ पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन गोइंग ऑन हाँ दिस इज द पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं अब देखो हमारे पास सेकेंड इसके बाद क्या होगा वट विल हैपन द नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चलो ठीक है आ गया पॉलिन पिस्टल इंट्रेक्शन आपका मूव कर गया कैल्शियम अच्छा एक और चीज़ तुम्हें तो लिखना हो तो लिख लो कि जो बोॉन होता है ना खैर ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आप पढ़ोगे बट नीट के लिए अगर आप करना चाहो तो कर लो कि बोरॉन आपका पॉलिन ट्यूब को ब्रस्टिंग से बचाता है बोरॉन helps pollen tube from bursting from bursting ठीक है अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट ये पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बट मेनली उसे ब्रश नहीं करने देता है टिप पे अब हम आ जाते हैं आगे की व्हाट विल हैपन नेक्स्ट कि चलो ठीक है हमारा पॉलिन ट्यूब है स्टाइल स्टिग्मा से आया स्टाइल पे आया ये अब क्या होता है अब ये मान लो पहुंच गया ओविल पे ठीक है क्योंकि ओवियल कुछ ऐसा है हत से ओवियल हम बना लेते हैं ऐसा ओवियल बन रहा है दिस इज़ द ओविल और ये इसका है इंटगमेंट और ये इसका है इंटगमेंट ये इसकी है इंटोगेंट बस लोग का कमेंट देखने का आदा तो हो है और कैसे बनेगा हम बहुत अच्छा एक्चुअली बनाने की कोशिश कर रहे हैं वाओ नॉट बैड वो अमेजिंग यू शुड क्लाव फॉर मी गाइज लाइव क्लास होता है ना कितना भाव लेते इस पर हम ठीक <laughs> है तो ये हमारा हो गया इंटरटेनमेंट अभी यहाँ पे हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है कि इम्ब्रायो सैक है ठीक है ये इम्ब्रायो सैक है अब इम्ब्रायोसैक के अंदर क्या होता है कि जो जिधर में ये ओपनिंग आपपुट्स दिखी रही है दिस इज द माइक्रो यू नो इट एंड दिस इज़ द चैलेजल एंड यू नो इट ठीक है चैलेजल एंड कभी भी डबल फर्टलाइजन पढ़ने आओ तो अच्छे से पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ के आओ नहीं तो मुसीबत हो जाएगी आपके लिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए होगे तो चैलेजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइल पाइलर एंड और ये जो ओपनिंग है इसको हम बोल देते माइक्रो पाइल अब होता क्या है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका एंटीपोडल सेल्स हैं राइट यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स हैं तीन तीन बीच में पोलर न्यूक्लियाई है ठीक है और यहाँ पे नीचे में क्या है नीचे में है हमारे पास एग सेल ओ, है और साइड साइड में हमारे पास सिनरजिट्स हैं और यहीं पे हमारे पास फुली फॉर्म परिटस है दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर राइट नाउ विच वी हैव राइट आई विल नॉट बी लिविंग इट एनी ऑफ इट ओके सो अब देखिए यहाँ पे आपका होता क्या है कि जब भी पॉलिन ट्यूब एंटर करती है पॉलिन ट्यूब आकी यहाँ से आई लेट्स से आई ये पॉलिंग ट्यूब है ये सेंटर की कर गई ये माइक्रोपाइल की तरफ इतना अच्छा डायग्राम बन रहा है ये बन जाए बस तो उतना अच्छा रहे ऐसे कैसे बन जाएगा नप। वाई इज इट ये बने सॉरी ट्राइंग माई बेस्ट बट आई थिंक हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आई ट्राई समथिंग एल्स सारे तरीके अपना लेंगे बच्चे आज ये डायग्राम बहुत अच्छा बनाएंगे क्योंकि डायग्राम अगर नहीं क्लियर रहेगा तो आपको प्रोसेस भी नहीं क्लियर रहेगी बच्चों डन 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 सेवी गो ये पोलिन ट्यूब है ठीक है सी दिस इज़ द पोल ट्यूब अब आपकी पॉलन ट्यूब अगर एंटर कर रही है तो पोलिन ट्यूब में हमने आपको क्या बताया था एकदम आगे की तरफ आपके पास होगा वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना फिर पीछे में होंगे दो मेल गैमेट यही तो थी हमारी ट्यूब में तो यहाँ पे भी यही है हमारे पास दो मेल गैमेट हैं और हमारे पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये आपके देखो एंटर ना आने को ये किधर से भी आ सकते हैं लेट्स से दिस आर मेल गैमेट दिस इज टू मेल गैमेट एंड दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस अब ये हमेशा एंटर करेगा माइक्रोपाइल की तरफ से वाह ये एंटर करेगा माइक्रोपाइल की तरफ से देखिए ओव्यूल के अंदर एंटर करने के एक्चुअली आपके पास क्या होते हैं ना स्टिग्मा से आया लत से अगर बगल हम बना रहे हैं ये ये स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल है कभी कभी क्या होता है ट्यूब ऐसे डायरेक्टली चैलेजल एंड से एंटर कर जाता है कभी कभी क्या होता है इंटुगमेंट से एंड कर जाता है कभी कभी माइक्रोपाइल की तरफ से एंड कर जाता है तो ओव्यूल के अंदर एंटर करने के तरीके बहुत सारे होते हैं बट सैक में तो भाई एक ही ओपनिंग है सैक में हमेशा आपका माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही एंटर करेगा ठीक है तो जब ये माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करता है जैसे कि नॉर्मली जो होता है वो आपका उसे पोरोगैमी बोला जाता है क्या बोला जाता है पोरोगैमी वॉट इज पोरोगैमी कि जब आ, आपका पोलिन ट्यूब एंटर्स इन द ओव्यूल टुवर्ड्स पोलिन ट्यूब एंट्री वाया माइक्रो अगर माइक्रो की तरफ से आपकी अगर एंट्री हो रही है तो उसे हम बोल देते हैं कि आपका पोरोगैमी हो रहा है जो कि सबसे कॉमन होता है ठीक है तो ये चीज़ हमें याद रखना है अब देखो पॉलिन ट्यूब के यहाँ से एंटर करता है एंटर करके करता क्या है एंटर करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पे ठीक है तीनों तरफ एंटर कर गया माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर किया और उसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया अब जो भी चेंजेस होंगे वंस इट इज़ एंटर्ड इन साइड द ओव्यूल ना वॉट विल हैपन कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ होगा वो इम्ब्रायोसेक के अंदर ही होगा अब इम्ब्रायोसेक के बाहर की कहानी ख़त्म ठीक है यहाँ पे तो एंट्री हो गई एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं शायद मैंने लास्ट पोर्शन में काफी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने बोला कि पॉलिन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर एक तो है कि माइक्रोपाइल की तरफ से हो जाए एक है कि इंटरगमेंट की तरफ से हो जाए एक है चलेजलैंड की तरफ से हो जाए मान लो चलेजरलैंड की तरफ से भी आएगा तो भी अल्टीमेटली घूम के इधर ही आएगा जाएगा माइक्रोपाइल से क्योंकि भाई वही ओपनिंग है माइक्रो इम्ब्राइस हैक के अंदर इट विल ओनली एंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइल विद इन द ओव्यूल ओव्यूल के अंदर एंटर करने के कोई भी रास्ते हो सकते हैं ठीक है जैसे कभी कभी आपका क्या होता है मेन मतलब रोड लोग बदल देते हैं बट आपको किसी घर के जाना तो उसका घर का मेन गेट तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा आओ चाहे जिधर से वही सेम चीज है कि एवरी टाइम पॉलन ट्यूब नो मैटर किधर से आर इट विल ओनली एंटर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड थ्रू द माइक्रोपाइल इन साइड दिल इसको लिखवा देते हैं जितनी देर हम इसको बोल रहे हैं ठीक है दैट पॉलिन ट्यूब पॉलिन ट्यूब पॉलिन ट्यूब माइट एंटर द ओव्यूल माइट enter the ovule might enter the ovule uh, from from chalazal end from chalazal end इसको बोल देंगे हम chalazogamy अगर chalazal end से हो रहा है तो chalazogamy हो जाता है अगर ये आपका integument से एंड हो रहा है तो हम उसे बोल देते हैं mesogamy ओके एंड अगर ये आपका एंड हो रहा है एंड uh, एंटर हो रहा है सॉरी अगर ये आपका एंटर कर रहा है माइक्रोपाइल से तो हम उसे बोल देंगे पोरोगैमी ठीक है तो ये कोई भी इसके पास ऑप्शन है राइट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि एंटर तुम किधर से भी करो बट इट विल ऑलवेज एंटर इट विल ऑलवेज एंटर ओव्यूल सॉरी इट विल ऑलवेज एंटर इम्ब्रायो इम्ब्रायोसाख आई होप मैंने बनना कर दिया स्ट्रीमिंग एंटर इम्ब्रायो इम्ब्रायोसाक बाई बाई माइक्रो पाइलर एंड माइक्रो पाइलर एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको दिया है ठीक है चलो एंट्री हो गया सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया एंट्री हो गया पहले स्टेप क्या हुआ पॉलिन ट्यूबराइज हुई सेकंड स्टेप क्या हुआ एंट्री हो गया अब थर्ड स्टेप में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जो भी कुछ होगा सब सब कुछ अब आपका होगा इम्ब्रायोसैक के अंदर ठीक है एंट्री ऑफ पॉन ट्यूब इन साइड द इम्ब्रायोसैक जब हमारी पॉलिन ट्यूब की एंट्री इम्ब्रायोसैक में होती है सो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स योर इफ दिस इज द इम्ब्रायोसैक लेट मी ड्रॉ द इम्ब्रायोसैक फॉर यू गाइज एंड आई ड्रॉ रियली परफेक्टली इम्ब्रायोसैक अभी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एंटीपोडल सेल ये हमारे पास आ चुकी हैं पोलर न्यूक्लियाई एंड राइट नाउ वी हैव दी एग्ल साइड साइड में दे हैव दी इनकी दो सहेलियाँ इनको हमने बोल दिया सनर्जेट ठीक है यहाँ पे हमारे पास आ जा जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म रिटर्स ठीक है अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ये है हमारे पास एंटीपोडल एंटीपोडल सेल्स राइट एंटीपोडल 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 सेल एंड देन we have the वी हैव दी then we have the वी uh, what we say egg and then इसके बगल बगल में हमारे पास इनकी दो मित्र हैं जिनको हमें दूसरे कलर से बनाना था but कोई नहीं हम अभी कर देते हैं इनको रंगीन क्योंकि भाई सहेलियाँ ब्राइट स्मेट सुंदर लगती है। हैं सहेलियाँ से याद रखना सिनरजिट्स ठीक है ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी दे बोध विल बी सिनरजिट्स सिनरजिट्स ठीक है और ये दोनों मिलकर अगर प्रेट्स बनाती हैं बट हमें उनसे अभी कुछ नहीं करना है ठीक है अब हमारे पास आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही पॉलिन ट्यूब जब आपके एंटर करती है ठीक है तो पॉलिन ट्यूब क्या करती है पॉलिन ट्यूब एंटर्स थ्रू सबसे पहला चीज़ क्या होता है जो पोलर निकलाई होता है ना ये आपस में फ्यूज़ कर जाता है जब पॉलिन ट्यूब एंटर करती है तो फ्यूज़ करके ये बना लेता है सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बना लेता है सेकेंडरी या फिर हम इसको बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस डेफिनेटिव न्यूक्लियस राइट तो ये वो स्टेज होती है कि जब इनके पास एक न्यूक्लियस आ जाता है बाकी भी आप देखो दो दो हैं तो इसे अगर आपसे पूछा जाएगा पोलर न्यूक्लियर की प्लॉइडी एन 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 सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस की प्लॉइडी ट्यूब एन ये कब होता है कब ये एंटर करता है जब आपका पॉलिन ट्यूब इम्ब्रायर साइड के अंदर एंटर करती है तब ये चीज होती है उसके पहले नहीं होती है ये देखो लेट लेट से दिस इज द पॉलिन ट्यूब अब यहाँ पे पॉलिन ट्यूब हमारी एंटर कर गई है ठीक है दिस इज द पॉलन ट्यूब जैसे ही पॉलिन ट्यूब आती है एकदम भाई धूम धड़ाके के साथ आती है ये आती है क्या करती है जो अपना ट्यूब न्यूक्लियस होता है पॉलिन ट्यूब ब्रस्ट होती है कहां पे ब्रस्ट होती है वन ऑफ द दिन सेल मतलब सबसे पहले तो आके सीनर्जिट सेल के पास फटती है, ठीक है अब क्या होती है सिनर्जिट के पास फटने की वजह से क्या होती है जो आपकी सिनर्जिट सेल है उसमें से एक सिनर्जिट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है ठीक है जिधर से मान लो एंटर किए लेट्स से दिस ये दिसर्जिस तो आपकी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है जो इसका ट्यूब न्यूक्लियस होता है बेचारा वो भी अंदर जाके ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे पास बचते क्या है हमारे पास बचते हैं दो मील गैमेट ठीक है दो मील गैमेट को हम बहुत अच्छे कलर से बना देते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो लेट्स मेक द विद दिस दिस इज़ द टू मील गैमेट खैर ये अंदर पहुंच जाते हैं तब तक बट अभी क्लेम लिए हम यहाँ पर ही बना रहे हैं ठीक है हमने क्या बोला जस्ट इमेजिन वॉट इज हैपनिंग लेट मी सी विद इट्स बींग रिकॉर्डेड और नॉट अदरवाइज आई आल बी नॉट वेरी श्योर कि फिर हमने बहुत मेहनत की और रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है 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 रिकॉर्ड हो रहा है कितनी खुशी मिलती है चलिए सॉरी बच्चों एक्चुअली आजकल ना हम बहुत बार ऐसे रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग होती नहीं है फिर हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती है देन आई हैव टू तो रिकॉर्ड लाइक पूरा पूरा, पूरा फिर से ठीक है तो हमने क्या बताया मैंने आपको ये बताया था कि इट्स लाइक बारात ले जाना है ना अब ये आया भाई एंटर किया मेन ये दो हीरो हैं ठीक है ये बेचारा तो उनका मेन आगे का वो दोस्त होता है ये पहले आके क्या करता है पॉलिंटी यहीं पे ब्रस्ट करता है तो पहले एक सिनर्जिट को ये तबाह कर देते तो बोलते भाई हटो रास्ते से कहा क्योंकि एग क्या होता है ना एक्चुअली एग एग सेल जो होती है थोड़ा पीछे की तरफ होती है सिनर्ज थोड़ा आगे की तरफ होती है तो बिना किसी एक सिर्जि को डिस्ट्रॉय किए ना इनको अंदर एक सेल की तरफ जाने का जगह ही नहीं मिलेगा तो इनकी मजबूरी हो जाती है भाई बुरे इंसान नहीं है लोग ठीक है पॉलिन ट्यूब को ब्रश करते हैं सिनर्जिट्स को मारने के लिए बेचारा इनका खुद का ट्यूब न्यूक्लियस तब मतलब खुद बोलता है नहीं मैं हूं मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दूंगा तो इनका खुद का ट्यूब न्यूक्लियस भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो होता क्या है और इनका पूरा जितना कंटेंट होता है पॉलिन ट्यूब का पूरा कंटेंट उठा के उस उसी जो वाला पार्ट होता है से से ना उसी में उठा के पूरा निकाल देते हैं ठीक है लेकिन ग्रेजुअली अच्छा, आपकी क्या होती है ग्रेजुअली डिजनरेट मतलब दीरे -दीरे 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 ये भी होने लगती है तो अभी इस वक्त बचता क्या है अगर हम एक इम्रायोसेक में बनाना चाहें विल एग्जैक्टली भी इन साइड द इम्बरा इम्रायोसेक के अंदर इस वक्त होगा अगर हम मेन मेन चीज़ की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा जिसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे एक हमारे पास होगी एग सेल है ना और साइड में हमारे पास आएंगे फुली फॉर्म ऑपरेटर्स और बगल में हमारी जो सिनर्जिट्स होंगी वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड होंगी ठीक है ये भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही होगी और साथ में वेजेटिव न्यूक्लियस टूटा फूटा यहीं पर कहीं पड़ा होगा और दो मेल गैमेट आ चुके होंगे अंदर में ठीक है लेट्स मेक दिस विद दिस कलर ये हमारे मान लो दो मेल गैमेट है ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास दो मेल गैमेट हैं ये दो सिनर्जिट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं साइनरजिट्स हैं सिनर्जिट्स हैं जो हमारी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं ठीक है डी हो रही हैं ये एग सेल है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात एक कभी तुमने देखा है कभी भी अगर कहीं पे बॉम्ब वगैरह लगता है पता चलता अच्छा तो यहाँ की लोकेशन किसने बताई थी कौन बताया कि भाई यहाँ पे आना सिनर्जिट्स यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे वो बेटा यहाँ पे फुली फॉर्म पेटर्स होता है ये ये जो फुली फॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं ना बड़े बदमाश इंसान होते हैं फुली फॉर्म ऑपरेटर्स बोलते हैं अरे आओ आओ मिल गया मैं, तुम इधर आओ इधर में एक्सल तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारी हीरोइन यहाँ पे है सो फॉर्म ऑपरेटर्स का एक बहुत सिंपल सा काम होता है इट्स गाइड्स दी एंट्री ऑफ द पॉलिटी बोलते अरे इधर आओ इधर इधर आओ बोलते रहे एग्जल तो पीछे मैं जाऊँ किधर से बोलता है कोई नहीं सिनरजित्स हैं इनको तो सिपाही टाइप के इनको तो पहले डिच क्या डिच क्या करके इनको हटाओ समटाइम्स क्या होता है एक साथ दोनों सिनर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं समटाइम्स एक डिस्ट्रॉय होता ही दूसरी वाली भी धीरे धीरे होकर खत्म हो जाती है ठीक है तो होता क्या है कि ये अपने आप खत्म हो जाते हैं इनका कुछ खास काम होता नहीं ये अब मतलब वो होते हैं ना बरातरी टाइप के आए होते हैं जो हाँ भाई खाना वाना मिल रहा है तो है नहीं तो हम तो चलते बनते हमसे कोई मतलब नहीं है तो एंटी बॉडल के भी इसका कुछ खास यूज़ नहीं है बना भी था और कुछ खास फंक्शन नहीं है पॉलिट्यूब एंट्री करती है थोड़ा तमाशा देखते हैं उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं अब तो हम डीजनरेट हो रहे हैं फिर हमारे पास पोलर न्यूक्लिया भी सेकेंडरी न्यूक्स बना लेता है एग्सेल बस्ती है और हमारे पास दो मेल गैमेट बनते हैं नाउ वॉट विल हैपन ये जो एक मेल गैमेट है ये एक मेल गैमेट आपका

सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है और क्योंकि आपका ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है एक लाइन का इसमें कॉन्सेप्ट है ठीक है और इतनी बार ये पूछा जाता है कि पूछो ही नहीं सो डबल फर्टिलाइजेशन इज वॉज एक्चुअली गिवन बाई नवाशिन इन लीलियम एंड फ्रिटलेरिया नवाशिन ने इसे दिया था नवाशिन ने और इन लिलियम लिलियम में लीलियम एक प्लांट है एंड फ्रिटलेरिया एक प्लांट है उसमें दिया था उन्हीं में इसने देखा था फ्रीट लेरिया फ्रीट लेरिया हाँ उसमें इन्होंने देखा था अब क्या होता है एक्चुअली एक हमने आपको बताया कि हमारे पास बचा क्या है में इम्बरा में एक तो हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा हुआ है है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ से बना था जो हमारा पोलर न्यूक्लियस यूज करके बनाया था सेकेंडरी न्यूक्लियस जो इस वक्त डिप्लॉयड हो चुका है इसी को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं आपके समझने के लिए कि दो पोलर न्यूक्लियाई ठीक है यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं और साथ में हमारे पास एक मेल गैमेट ये दोनों ये दोनों हमारे पास मिलके ये एन होता है तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूक्लियस की बात करें नॉट न्यूसिलस ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा क्यों क्योंकि ये डिप्लॉइड ये हैप्लॉइड तो ये आपका बन गया ट्रिप्लॉयड या फिर आप ऐसे समझ सकते हो पोलर न्यूक्इड दो थे एन एन है ना तो यहाँ पे एक एन आ गया टोटल थ्री एन बन गया सेकेंड जो प्रोसेस होती है हमारे पास जो हमने आपको बताई थी वो ये होती है कि हमारे पास एक फीमेल गैमेट जिसको हमने बोला था एग सेल जो कि सिनर्जिस के पास थी सिनर्जिस तो बर्बाद हो चुकी हैं यहाँ पे होती है एग सेल ये होती है एन साथ में इससे भी फ्यूज कर जाता है हमारा सेकेंड मेल गैमेट राइट एंड विच इज ऑल्सो एन और ये दोनों हमारे मिलकर क्या बना लेते हैं जायगोड विच इज डिप्लॉयड ठीक है और यही जाइगोड अल्टीमेटली इंब्राइम में डेवलप होगा नाउ हमारे विद इन द सेम एंजम इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्यों क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या हुआ है uh, सिर्फ और सिर्फ ये आपका तीन न्यूक्लियस यहां पे फ्यूज हुए हैं या फिर ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएं ट्रिपल फ्यूजन इसे बोलते हैं ठीक है और इसे हम लोग बोल देते हैं सिनग्याी इसे क्या बोल देते हैं इसे बोल देते हैं सिन गामी सिनगैमी मतलब ट्रू फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में तो यही होता है ना एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं सो so, यही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन आपको लिखाने की कोशिश करें तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली सिनगामी प्लस ट्रिपल फर्टिलाइजेशन यही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है डबल क्यों क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन एक एक ही इम्रायोस एक्ट के अंदर हमारे पास दो दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन इट इज इट इज ओनली इट इज ओनली सीन इन एनजेपम तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके एनजस्पम का ठीक है एनजस्पम के अलावा किसी में एक ही में ऐसा दो दो नहीं होता है ठीक है एनजी आपका डिप्लॉइड हो जाता है ओके सॉरी एनजीओस्पम में हाँ ओनली सीन इन एनजीओस चलो चलो हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास खैर कुछ है नहीं अच्छा तुम लोग को ये बहुत सारा इशू हो जाता है एक छोटा सा खैर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे बट आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं पीईसी पीईसी जो प्राइमरी एंडोसपम न्यूक्लियस है इसको हम यहाँ पे ये चीज़ समझाते हैं ये डायग्राम आपने देखा ये देखो ये एग सेल हमारा और ये मेल गैमेट ये फ्यूज करके सिंग्रामी करके जाय बना देते हैं ये और ये सेकंड मेल गैमेट और पोलियो निकला ये हमारा बना देते हैं पीईसी तो देखो ये जो न्यूक्लियस बनता है इसको हम लोग बोल देते हैं पीईसी और ये जो पूरी सेल जो सेंट्रल सेल है उसी को हम लोग बोल देते पीई एन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो कहीं ना कहीं जो हमारी सेंट्रल सेल होती है याद रखना जो हमारी सेंट्रल सेल होती है वही अल्टीमेटली उसी को हम पीईसी बोलने लगते हैं पीई क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल राइट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी इंडोपम्प सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम बोल देते हैं कि हमारे ये ये प्राइमरी का न्यूक्लियस होता है एंड इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट बट ये हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले चेंजेस के दिन आज का हमारे टॉपिक नहीं है आज हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन था तो अगर हम ओवरऑल आपको रिकैप देना चाहें चाहे वट हैपेंड ओवर हियर कुछ नहीं हुआ देखो पॉलन पिस्टल इंट्रेक्शन होता है हमारे पास पॉलन आते हैं बहुत सारे लैंड करते हैं बट सारे राइट टाइप के नहीं होते कुछ कुछ रॉन्ग टाइप के भी होते हैं वो चेक करने का काम पिस्टल का होता है पिस्टल हमारे कुछ केमिकल सिग्रेट करती है यहाँ से इनके बीच में केमिकल डायलॉग होता है अगर उसको लगता है कि दिस इज राइट टाइप और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए है ना ये से इसके सेम बेटर है ठीक है कभी कभी सेम प्लांट होने के बाद भी नहीं एक्सेप्ट करते पिस्टिल क्योंकि वो अपने में सेल्फ इनकॉम्पेडिबिलिटी वाला स्विच ऑन करके रखे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा सो so, ये टोटली डिपेंड करता है पिस्टिल पे कि वो किसको एक्सेप्ट करेगी किसको रिजेक्ट करेगी हमारा और आपका कोई से नहीं होता हाँ ये बात अलग है कि हम लोग को आजकल पता है कि कौन सा प्रोटीन से डिटेक्ट करते अपना है कि नहीं है तो हम लोग थोड़ा अल्टर कर देते हैं ठीक है बट ये एक अलग ही पॉइंट हो गया तो हमारे पास क्या होती यहाँ होते है यहां पे केमिकल्स डायलॉग्स होते हैं दोनों आपस में बात करते हैं ठीक है भाई पसंद आए पसंद आ गए उसके बाद फिर क्या होता है हमारा पॉलिन जर्मिनेशन शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि उनको हम पानी मिठाई बुरौन सब देते हैं बोलते हैं आइए पता है। फिर हमारा इन टाइम जो होती है पूरी अंदर आ जाती है तो पॉलिन ट्यूब का जितना कंटेंट होता है पॉलिन ग्रेन का पूरा अच्छा साइटोप्लास वगैरह भी सारे इधर आ जाते हैं हमने आप बनाए नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका होता क्या है कि ट्यूब न्यूक्लियस हमारा मेल ट्यूब न्यूक्लियस आगे के चलता है बोले चलिए भैया जी हम चल रहे हैं आप पीछे भी जाइए ठीक है ये आपका एंटर करता है स्टाइल से स्टिग्मा स्टिग्मा से होते हुए फिर आपका क्या होता है केमिकल्स के थ्रू ये हेल्प करके मूव करता है अच्छा जर्मिनेशन तभी होगा जब थ्री सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मान लो टू सेल्ड है तो यहीं पे सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन से थ्री सेल कराएगा यहां पर आपका जो जनरेटिव सेल होती है ये सेल है जनरेटिव सेल में ही हमारा माइटोसिस होती है याद रखना इसी वजह से इसका नाम जनरेटिव होता है क्योंकि इट विल जर्मिनेट द मेल गैमेट और ये देखो ग्रेन के अंदर हमारा मेल गैमेट है दैट इज इज ग्रेन लाइक होम ऑफ द मेल गैमेट तो इसी इस इसको बोलते हैं ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेट ठीक है यहां से आपका हुआ एंटर किया एंटर करने के कई तरीके हैं इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ किधर से भी आओगे ठीक है एंटर आपको अल्टीमेटली माइक्रोपाइल से ही करना पड़ेगा माइक्रोपाइल से आते हैं हमारी एक्सेल को तो इन्होंने पकड़ के रखा है दो दो सीट जो बोलते हैं बूम पॉलन ट्यूब को फोड़ते हैं तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपका क्या हो जाता है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में सिनर्जिट फिर इनको जगह मिल जाती है फिर अपना मेल पुअलन ट्यूब का जितना कंटेंट है उठा के यहाँ पे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे दो मेल का आ जाता है और अगर इस स्टेज पे इस स्टेज पे अगर आप देखोगे है ना तो इस स्टेज पे आपको एक इसके साइडो सिनर्जिट्स के पास ना आपको दो मिलती हैं एक थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं देखो यहाँ पे मान लो जब ट्यूब एंटर करती है ठीक है यहाँ पे तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है यहाँ पर क्या होता है एग सेल तो इंटैक्ट रहती है साइड साइड में एक सिनरजिट्स ना ऐसा डिस्ट्रॉयड मिलता है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा डार्कली स्टेनड है है ना तो दो डार्क स्टेन चीज़ें मिलती हैं वो एक्चुअली दोनों होती क्या है वो दोनों होती है एक हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है एक हमारी सिनर्जिट्स होती हैं इनको हम एक्स बॉडीज़ बोलते हैं क्योंकि ये एट दिस स्टेज कुछ समझ नहीं आता कि क्या है क्योंकि ये भाई उड़ चुकी हैं ना इनका शक्ल है ना कुछ है ना सेल की तरीके से दिख रही हैं क्योंकि इनको पॉलिन ट्यूब की ब्रस्टिंग की वजह से दे हैव बिन डिस्ट्रॉयड तो ये ऐसे दिखती हैं कि जैसे कि कुछ कुछ तो है मतलब कुछ समझ नहीं पाता तो एक्स बॉडीज एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है डी जनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस प्लस सिनर्जिट सेल इसको याद रखना डी जनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस प्लस सिनर्जिट सेल को हम लोग एक्स बॉडीज बोलते हैं यहां पे सिनर्जिट्स सिनर्जिट्स ठीक है क्योंकि ये डार्क स्टेंड बॉडीज होती है मतलब माइक्रोस्कोप में इस वक्त आप देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा भाई क्लियर क्यों होगा क्योंकि ये ना तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरह इन्हें सिनर्जिट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं ठीक है थीके? अब इस वक्त हमारे पास दो ये पोलर न्यूक्लिया है ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है या हम जिसको बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस हमारे पास एक एक्सेल है ठीक तो है तो एक्सेल हमारा है एंटीपोर्टल का कहानी खत्म दूसरा सिनर्जिट्स भी उस वक्त नहीं डिस्ट्रॉय होता है बट बाद में हो जाता है तो हमारे पास होता क्या है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है बहुत सिंपल सी हमारी कहानी होती है जो आपका मेल गैमेट होता है वो आपका लेट्स से इसको हम और ब्लैंक स्लाइड पे बना दे रहे हैं फिर से एक बार के लिए आपको कन्फ्यूजन ना हो ये देखिए दिस इज दिस इज राइट नाउ आर सेकेंडरी न्यूक्लियस ठीक है जो हमारे पास क्या है जो हमारे पास टू एन है यहाँ पे हमारे पास जो मेन है एग्सल है बगल बगल में सिनर्जिट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसको बनाने का पॉइंट नहीं है हमारे पास इस वक्त बाकी चीज़ें सब डी स्टेज में हैं बट एट द सेम टाइम आपके पास दो मेल गैमेट एक मेल गैमिट इधर चला जाएगा एक मेल गैमेट इधर चलाएगा ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे ये ये यहाँ पे हो जाता है हमारा ट्रिपल फ्यूज़न क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये है मेल गैमेट दिस इज़ द मेल गैमेट और मेल गैमेट हमारा क्या होता है अप्लॉइड होता है ठीक है तो ये हमारा हेप्लॉइड है और ये दोनों हमारे मिलके के क्या बनाते हैं ट्रिपल फ्यूज़न से हमारा पीईसी -E बन जाता है पीईएन -E बन जाता है क्योंकि ये दोनों मिलके अल्टीमेटली दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड ऐसे बन जाता है ठीक है इसको हम लोग बोल देते हैं पी बट और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ये एग सेल जो है ये दिस इज़ द अनदर मेल गैमेट दूसरा वाला मेल गैमेट ये मेल गैमेट आपका एग सेल से फ्यूज़ करके ये दोनों हमारे अल्टीमेटली क्या बना देंगे जाइगोड बना देंगे और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हम बोल देते हैं सिनगैमी ठीक है तो ये दोनों भी हमारा अल्टीमेटली एक हो जाएंगे कहते हैं हम और तुम मैं और तुम एक हो जाते तो बेसिकली दे विल ऑल्सो कम्बाइन तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा क्यों क्योंकि ये एन है ये एन है तो जाइगोड बन जाएगा अब होगा क्या यही जाइगोड अल्टीमेटली हमारा कन्वर्ट हो जाता है इम्ब्रायो में है ना और यही हमारा अल्टीमेटली बना देता है पूरा प्लांट न्यू प्लांट और ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ नाउ पी ई पी ई एन बट अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो जो सेंट्रल सेल वाला जो रिमेनिंग पोर्शन था दिस होल स्ट्रक्चर ये 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक यहाँ से ये सब इसको हम लोग बोल देंगे राइट नाउ दिस इज़ पी ई सी प्राइमरी एंडोस्पम्प सेल ठीक है और यही अल्टीमेटली डिवाइड कर करके कर करके एंडोस्पम्प बनाएगी सो so, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअली तुम्हारा प्राइमरी इंडोस्पम सेल कंटेन्स प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस जैसे सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियस था वैसे ही प्राइमरी इंडोस्पम सेल के अंदर आपका प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस होगा आई होप दिस इज क्लियर एंड विल डू इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में आपको इंडोस्पम और ये कैसे बना दिस इज स्पोर्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वो हम नेक्स्ट डे करेंगे बट आज के लिए इतना ही हम रखते हैं क्योंकि हमारी क्लास है अरे नहीं मेरे पास टाइम है चलो एनसीआरटी पढ़ाएंगे अभी सो so, एक और चीज़ है एक और टॉपिक है खैर आ जाओ ये टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं फिर नए टॉपिक पे आते हैं छोटू सा टॉपिक है कितनी सुंदर आज हमने नोट्स बनाई है ओ यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका ना ये ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वाला जो है वो अरे सुन लो सुन लो सुन लो, सुन लो स्किप मत करना का काम की है डू नॉट स्किप थर्टियथ अप्रैल तक है ठीक है थर्टियथ अप्रैल तक आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिल रहा है उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट मे जो हमारा नॉर्मल प्राइस है ठीक है फर्स्ट मे से जो हमारा नॉर्मल प्राइस है वो हाईक हो रहा है पूरा सिक्स सेवेंथ एथ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ सबकी प्राइजिंग भी बढ़ रही है और सिर्फ आपको पाँच ऑफ़ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पांच परसेंट ऑफ मिलेगा तो इसमें एक्चुअली बहुत लॉस हो जाएगा और ये श्योर शॉर्ट न्यूज है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड करने के पहले मैंने वो ड्राइव देखी कि क्या क्या प्राइजेस चेंज होने वाले हैं एंड आई ये तो बताना है ठीक है क्लास ट्वेल्व का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो राइट right नाउ आपको इलेवन में मिलेगा और ये कोड है बेटा अप्लाई कर लो और सच बता रहे नहीं तो फर्स्ट में से ना बहुत पछताओगे इस पर इस वक्त पच्चीस ऑफ है और जो हमारी बैच है उस पर ज्यादा ऑफ है उस पर आपका थर्टी ऑफ होगा बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऑन एन एवरेज बेटा आपकी हजार भी नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है फॉर ऑल सब्जेक्ट इसमें सारे सब्जेक्ट हमारी हमारीडमी पर चलती हैं साढ़े तीन बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं हर दिन चलती हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एक से एक टीचर्स हैं इंग्लिश के लिए शिप्रा मैम है भरत सर है टीचिंग बायोलॉजी एंड वी हैव मैनी अदर एजुकेटर एज वेल जिनसे आप पढ़ सकते हो अगर आपको हमसे नहीं पसंद आ रहा है तो ठीक है वहाँ पे आपको सारी नोट्स मिलेंगी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी डी मिलेंगी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो वॉइस कॉल पर मतलब इत समझेंगे इतना समझ लो आप ऑफ ट्रैक नहीं होगे और अगर थोड़ा भी आप डिवेटेड बच्चे हो तो ना आइकॉनिक लेना क्योंकि आइकॉनिक में आपके लिए पर्सनली एक मेंटर रख दिया जाएगा वो आपको कॉल करेगा हर हफ्ते हाँ तुमने इतनी क्लास की नहीं किया अच्छा बताओ क्यों नहीं की और बताओ क्या फील हो रहा है जिंदगी की आप हर एक प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकते हो आपको कैरियर काउंसलिंग भी देगा गाइडेंस भी देगा सो प्लीज़ गो फॉर इट गो फॉर इट आई एम टेलिंग यू बिकॉज फर्स्ट uh, मे से मतलब हम तो शॉक कि हाँ भाई प्राइस बढ़ रहा है ऊपर से डिस्काउंट कम हो रहा है तो बहुत लॉस हो जाएगा अगर आप खुद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए ठीक है और खैर आइए हम लोग करते हैं शो का बैच में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइए हम लोग एन पढ़ते हैं अभी के लिए एन सी आर देखो हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ा चुके थे लेकिन हम फिर से पढ़ा देते हैं फॉर बेटर कनेक्टिविटी आ, ये देखो पॉलिन प्रिस्टिल इंट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं खैर मैंने लास्ट डे शायद पढ़ाया था क्योंकि हाईलाइटेड पोर्शन है तो ऑफकोर्स ये दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है कि पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता कि जो हमारा ट्रांसफर होगा वो राइट टाइप का पॉलिने जाएगा है ना कॉम्पर्टेबल कॉम्पर्टेबल तो उसके लायक है भी कि नहीं है सेम स्पेसिस का है भी कि नहीं है बहुत बार क्या होता है ऑफिन मतलब अक्सर करके पॉलिन जो आपका होता है गलत टाइप का ही जाता है या तो अलग स्पीसीज का चला जाता है या फिर सेम प्लांट का होता है लेकिन सेल्फ इनकॉम्पेटेबल होता है मतलब कि कभी सेम प्लांट होने का मतलब ये नहीं कि उसके काबिल है, है ना वो पिस्टल डिसाइड करती मैंने आपको बोला है जैसे ही लैंड करता है स्टिग्मा पे पिस्टल के पास एबिलिटी होती है वो पहचान सकती है रिकोगनाइज कर सकती है कि उसका पॉलिन सही है कि नहीं वेदर इट इज़ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप मतलब उसके लिए कॉम्पेटल है कॉम्पेटेबल मतलब राइट टाइप उसका काबिल है कि नहीं है रॉन्ग टाइप मतलब है अगर राइट टाइप का हुआ तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करती है कि ठीक है अब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया तुम आओ तो पॉलिंड उसको प्रमोट करती पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या है भाई पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आपका वही हो गया कि पॉलिट का जर्मिनेशन है ना पॉलिंड ट्यूब का राइज पॉलिन ट्यूब की एंट्री इनटू द ओव्यूल ये सारी चीजें पोस्ट फर्टिला पॉलिनेशन इवेंट में आ जाती हैं कि हाँ ट्रांसफर के बाद जितना कुछ आ रहा है ठीक है तो यही हमारा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में आता है नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया ये देखो पॉलिन ट्यूब उसके बाद क्या होता है जो पॉलिन ट्यूब होती है ग्रो करती है द टिश्यू ऑन द स्टिग्मा ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑन द स्टिग्मा एंड आपको बोला था ना कि हाँ पे जर्मिनेशन एक्चुअली बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया है डायरेक्ट पॉलिंग ट्यूब किया गया ट्यूब देखो जाएगी किधर से स्टिग्मा को फाड़ते हुए अंदर से स्टाइल के होते जाएगी ना इसका मतलब उसके टिशू के अंदर जा रही है तो पॉलिन ट्यूब आपकी स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के अंदर जाती है ओवरी पहुंचती है यू वुड रिकॉल दैट इन अच्छा कुछ प्लांट में आपका क्या होता है पॉलि ग्रेन अगर दो साइड स्टेज पर देखो शड ऑफ हुआ था एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव तो उन प्लांट्स में क्या होता हो के पहले दो बनाता है एंट्री के, ग्रोथ के, कर लेता। मतलब के पहले, पहले पहले अपना काम कर लो। एकदम इनिशियल स्टेज पे हो जाता है अगर प्लांट आपका शेड ऑफ हुआ है थ्री सेल्ड स्टेज पे फिर तो कोई तंगा ही नहीं तुम तो एकदम तैयार आए हो ठीक है तो पॉलिन ट्यूब हमारा डायरेक्टली हो जाता है दो मेल गैमेट Beginning से ही कैरी करेगा ठीक है अब देखो ट्यूब जैसे ही आपका ओवरी के पास पहुंचता है ओव्यूल की में एंटर करता है थ्रू द माइक्रोपाइल यहां पे मैंने आपको बोला ना कॉमन और तुम्हारे में सिर्फ माइक्रोपाइल वाल गया है फिर एंटर करता है लुक एट दिस देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्ज थ्रू द फुलटेज मैंने आपको क्या बोला कि एक सिनर्जिस को तो फोड़ते तोड़ते निकलता है ठीक है लुक एट दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनर्जस्ट थ्रू द फुली ऑपरेटर्स यही आपको बोला गया कि बहुत मैंने रिसेंटली स्टडीज शो किया गया कि जो फुली फॉम ऑपरेटस है टिप की तरफ होती है वो हमारी आ, क्या करती है पॉलिन ट्यूब के एंट्री को गाइड करती है हम आपको वहाँ पर जब हम आपको मेरा सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तब मैंने पढ़ाया था फुली फॉर्म का आपका फंक्शन हो गया ये फिर इन सारी इवेंट में ये देखो ऑल द इवेंट्स ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉल डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलिन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर टूडे टुगेदर रिफोर्ड एज द यही हमने आपको पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था कि देखो इंट्रैक्शन से जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सिंपल सा मतलब है कि सिर्फ हाँ आया राइट right टाइप है रॉन्ग टाइप है सिर्फ वो चेक किया नहीं राइट right टाइप है रॉन्ग चेक करेगा उसे प्रमोट करके एंटर कराएगा वो सब इंट्रैक्शन का पार्ट है आगे क्या है कि एज पॉइंटेड आउट अलियर जैसे कि पहले हमने पॉइंट आउट किया है कि जो पॉलिन पिस्ट इंट्रैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस बहुत चेंज है ना और इन इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि पॉलिन रिकॉग्निशन होता है कि हाँ भाई पॉलिन को पहचानो उसके बाद फिर प्रमोशन होता है या इनिबिशन होता है अगर तुम राइट right टाइप के हो तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा रॉन्ग टाइप के हो, तुम्हारी ग्रोथ इनिबिट कर दी जाएगी द नॉलेज गेंड इन दिस एरिया वुड हेल्प इन प्लांट रिलडेंड इन मैनिपुलेटिंग द पॉन पिस्ट इंट्रैक्शन ये क्या बोल रहा है ये मैंने आपको थोड़े से पहले बताया था ना कि हम लोग पता है पता कर लेते हैं कि कैसे पिस्टल चेक कर रहा है कि हाँ सही टाइप है कि नहीं है पॉलिनग्रीन के ऊपर क्या है जिससे उसको लग रहा है कि गलत टाइप है हम उसी प्रोटीन को हटा देते हैं तो प्लांट ब्रीडर जो चाहें जिस पॉलिन ग्रीन को चाहें जिससे चाहें वो फर्टिलाइज करा सकते हैं देख रहे हो यही आपको बोला है कि पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं मैन्यूपलेट कर देते हैं भले ही इनकॉम्पेटिबल हो ठीक है लेकिन हमें अपना हाइब्रिडाइजेशन चलने के लिए हम उसको अल्टर कर देते हैं ठीक है तो यही आपको बोला गया है कि यही आपको बोला कि अगर आप पॉलिन जर्म आप देखो पॉलिन जर्मेशन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ पहले बता दी है जर्मिनेशन यहाँ पे अब क्या बोला गया पॉलिन जर्मिनेशन जैसे पी हो गया चिकन पी हो गया किसी में भी हो गया आप ग्लास स्लाइड पे लो आप देखो शुगर सोल्यूशन डालो टेन याद रखना फिफ्टीन से थर्टी परसें फिफ्टी देख यहाँ पे अब बताया है कि तुम्हें शुगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन को बोलने का मतलब है हाँ तुम्हें शुगर देना है वाटर देना है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पोलिन जर्मिनेशन के लिए इसके बिना नॉर्मली नहीं होता लेकिन इसको कितना डिफरेंट वे में बताया गया है ठीक है पंद्रह से तीस मिनट में तुम्हें पोलिन ग्रोथ का जर्मिनेशन मिल जाएगा ठीक है आर्टिफिशियल हाइब्राइन इन नेक्स्ट क्लास बिकॉज अभी हमने डायरेक्ट हम पढ़ा दिए हैं आपको ये एक्चुअली चैप्टर फाइव में अच्छे से समझ आता है यहाँ पे उतना नहीं लेकिन फिर भी हम करा देंगे इसी में आपको हम आगे यहाँ पे पढ़ाते हैं इसको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में अभी हम डबल फर्टिलाइजेशन कराते हैं डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या बोला गया है ये बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन में कि आपका अगर मान लो अगर हमारी एंटर कर गई ओ गॉड चलो यहाँ पे आफ्टर एंटरिंग द दिनर्ज देखो सिनर्जिस में एंटर करने के बाद पॉलिन ट्यूब रिलीज कर देता है दोनों मेल गैमिट साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोप्लाजम और कहाँ पे रिलीज कर रहा है सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में अब उसको जगह मिल गई सिनर्जिस फट चुकी है जो एक मेल गैमेट होता है वो एग्सेल की तरफ मूव कर जाता है फ्यूज कर जाता है उसके न्यूक्लियस से और सिनगैमी बना देता है और रिजल्ट में क्या बनाता है डिप्लॉइड जाइगोड क्यों डिप्लॉयड बन रहा है क्योंकि एक मेल गैमेट अप्लॉइड था दूसरा हमारा एग्सेल भी हमारी अप्लॉइड थी जो दूसरा मेल गैमेट है आप हैं कैसे भाग जाते हैं। जो दूसरा मेल गैमेट है वो हमारा दोनों पोलर न्यूक्लिया की तरफ जाता है और हमारा फ्यूज करके यहां पर नहीं दिया डायरेक्टली बता दिए पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा बट इनके बीच में एक इंटरमीडिएट फेज आती है दोनों पोलर न्यूक् फ्यूज करके पहले डेफिनेटिव न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस से बनाते हैं फिर मेल गैमेट से फ्यूज करते हैं खैर को पॉइंट नहीं ये देखो यहाँ पर बोला गया प्राइमरी इंडोजपंप न्यूक्लियस बन जाता है अब आगे क्या बोला गया इट ऑल्सो द फ्यूजन ऑफ थ्री एप्लॉयड न्यूक् क्यों तीन एप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज ही है ना दो पोलर निक्लिया का एक उसका तो इसकी वजह से दो तरीके के फ्यूज़न हुआ सिंस दो फ्यूज़न हुआ एक सिन्गैमिक ट्रिपल फ्यूज़न इसी वजह से इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं अब आपको क्या बोला गया इस इवेंट में आपका जो सेंट्रल सेल होती है ट्रिपल फ्यूज़न के बाद उसी को हम प्राइमरी इंडोस्पम सेल बोलने लगते हैं देख रहे हो सेंट्रल सेल को हम बाद में प्राइमरी सेल बोलने लगते हैं और यही हमारी डेवलप हो जाती है एंडोस्पम में और जायगोट हमारा डेवलप हो जाता है इमरा में हमने आपको ये पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये कैसे डेवलप हुआ ये बताएंगे अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं सो कृपया करके लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो ठीक है आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो ठीक है हम तो इस वजह से इस चीज़ में गलती मत करो बेटा अब देखो जितना भी आप आपको जो भी पसंद आ रहा है देखिए एक हमारी अशोका बैच चल रही है अगर आपको अगर आपने कहीं और सब्सक्रिप्शन ले चुका है और आपको अगर ओनली बायोलॉजी पढ़नी है अरे प्राइस हाइक हो रहा है अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है यू हैव टू डू ओनली बायोलॉजी तो भी हमारे पास क्लासेस हैं ठीक है थीके? और दूसरी चीज़ है अगर चलो ठीक है सब्सक्रिप्शन की बात तो हो गई सब्सक्रिप्शन ले लो देखो ट्वेल्थ वगैरह में ना क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत मायने रखती है और और एक और बात है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन चलो नहीं ले रहे हो तो भी जो फ्री क्लासेस है ना उससे यूटिलाइज़ करो हम बहुत सारे क्विजेज ले रहे हैं ठीक है चैप्टर टू के बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं जो कि टोटली फ्री हैं तो उनको दो आके निकिता लाइव कोड यूज़ करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वहाँ से और नहीं उनसे आप आप कभी भी आज नहीं अगर ये वीडियो आप 10 साल बाद भी देख रहे हो तो भी आप उन क्विजेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हो इट विल बी ऑलवेज़ अवेलेबल सो यूज़ कोड नहीं लाइव एंड इफ योर लाइकिंग इट प्लीज लेट मी नो ठीक है और हमने बहुत क्विकली हमने बहुत बड़ा टॉपिक खैर कंप्लीट किया दिस इज़ अब हमारे पास सिर्फ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं और साथ में आर्टिफिशियल हाइड्राइशन है और थोड़ा सा बचा हुआ है हम लोग खत्म कर लेंगे आपका कल एक दिन में और वीडियो आ जाएगा ये ठीक है और इंडोसफॉर्म वगैरह वाला पोर्शन है इट विल बी फन सो हैव फन बच्चों पार्टी चलो मिलते हैं टाटा बाय बाय सी यू एंड यूज़ करो और सब्सक्रिप्शन ले लो भाई तीस तारीख ही बचे हुए हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है टाटा बाय